राम राम जी सैन है, स्वागत आपका अपने एक और नए ब्लॉग में। और मैं आज आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूंगी। रेसिपी में मैं क्या बनाऊंगी, मैं बनाऊंगा आज ब्रेड का हलवा। तो ब्रेड का हलवा खातर के लेना, आज एक कटोरी तो ली है मैंने घी की, और आप थोड़ी सी ली मैंने, वे ज्यादा दाग गर्मी में सही नहीं होती, आप अपनी इच्छा अनुसार ले इसको। और इसमें लिया मैंने यो गोला चिटकी चिटकी का जो चौकोड़ा का इसमें, और एक ब्रेड का लिया है पैकेट, और एक लिया है दूध का गिलास, जो दूध ठंडा है। जिस तक मैं सामान तैयार करूंगी इसमें मैं दूंगी गर्म, तो दूध भाई गर्म करना है, मतलब उबालना है दूध, नहीं कोनी भी कच्चा दूध गिर दिया है, दूध उबलना रख दिया है। और जो ये ब्रेड है, ब्रेड की ये कन्नी है नहीं, ये कन्नी उतारनी पड़ेगी आपने, कन्नी मैं कौन डालनी भाई इसका बिल्कुल भी, तो बर्तन भी कुल मैं उतार दूं इसकी फटाफट कन्नी, जो बीच बीच का हिस्सा है यो यो लेना है। मैंने इसकी ब्रेड की कन्नी दे उतार, और ये भी इसने बिल्कुल बारीक कर लूंगी, मोटे मोटे पीस कौन छोड़ने भाई, बिल्कुल बारीक कर लूंगी इसने, देखो मैंने कर लिया बिल्कुल ये जमा बारीक। ये देखो ये बारीक हो गए हैं, फिर मैं एक कटोरी में ले ली है मैंने चीनी शुगर, अरे इसके अंदर साइड आओ, इसके अंदर घी है, यो घी के अंदर डाल दिया मैंने ब्रेड, ब्रेड भाई बहुत कम, मतलब ज्यादा घी कौन पींदी, बिल्कुल कम ही घी पीवा है ब्रेड। दूध उबल गया, क्या है रेडी, देखो गैस कर दो बंद। भाई ये ज्यादा मतलब ज्यादा देर तक कौन पकाना पड़ा, बस 5 दिन या आज पकड़ांगे तो आप मतलब 8-7 मिनट लग जाओगे, और तेज आज करांगे तो 5 मिनट में यो मतलब पक जाओगे बस। ये देखो इसका कलर, ब्राउन ब्राउन का कलर हो गया इसका, ये देखो जो, अरे देखो इसकी पहचान, यो घी छोड़न लग जाओ, देखो यो घी छोड़न लग गया, देखो किस तरह छोड़ दिया इसने घी, तो यो पक गया ये देखो, इस तरह घी छोड़न लग गया। ये मैं डालूंगी इसमें दूध, दूध उबालना ही है इस बात का ध्यान रखना, गर्म करना है दूध ना पूरा। इसमें थोड़ा और डालूंगी मैं दूध, पूरा एक मग दूध का तो भाई ये पड़े जाऊंगा इसका मैं। और की डालूंगी मैं इसमें चीनी, आधा कप पानी चीनी, भाई आप जो मीठा खाओ तो ज्यादा डालो, और कम खाओ तो कम डालो, कितना बढ़िया बनया है ये, तो ये और भी पका था ये छोटा भाई भी, और मैं डालूंगी ये दाख,
ओरियो गोला। दूध गेड़ने के बाद भी कम तक कम भी पांच, अगर ज्यादा दूध गेड़ा तो आप 5-6 मिनट तक, कम दूध गेड़ो तो मतलब जल्दी पक जाएगा 3-4 मिनट में। इसने जितना ज्यादा पकाओ उतना ज्यादा मतलब अच्छा होगा घी छोटा वाला। ये देखो ये भी ओपन गैस की या निशानी है, देखो ये किस तरह हिलने लग रहा है, चुगर देखो ये, अगर ये बड़ा नीर नहीं तो ये चिप जेरी है कढ़ाई का, तो ये बन गया है ये देखो किस तरह घूमन लग रहा है, ये चुगर देखो घी छोड़ दिया इसने। ये लोहा गया भाई बनकर ने रेडी, और एक बार आप भी इस रेसिपी ने जरूर ट्राई करियो। यो ही अलवा हो गया रेडी, जो मेरी माँ अलवा खा लो, और मैंने ले लिया यो मेरा, आपने खा लिया? मैं खाऊंगी अच्छे अलवा की खा बढ़िया। ओ मैं खा लिया, देख लो खा कर। एक नंबर का बढ़िया तो मानू, एक नंबर। और एक ही साल होगी एक खासियत और भाई, जिस तरह का मामा तो लोग खोआ खावा काट ले बना ले, जो शहर में रहा जिसका दूध नहीं होता, कम दूध है, जिस तरह मावा बनावा नहीं आपा मावा हो नहीं, इसका टेस्ट हो इसका सेम टू सेम। एक बार आप बना के इसमें जरूर से भी जरूर देखियो, सेम टू सेम मावा का टेस्ट आओ इसमें। इसमें भाई अलवा बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आराम खावा। हाँ जी आपने खाना हो तो बना लियो और खा लियो।